तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो थंबनेल को देख के आप लोग मुझे पता है कि इसीलिए आए हैं कि कुछ नई चीज़ हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगी और डेफिनेटली आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ नई चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि थंबनेल में जो आपने पिक देखी है वो यकीनन सीजन 2 के विजय वर्मा के मामा की तस्वीर है, जिनकी सीजन 2 में मौत हो जाती है गोली लगने से, जिनको वही लोग मारते हैं जो उनके साथ होते हैं। आपको याद होगा कि छोटे के साथ में मिलके ये पुड़िया का बिजनेस करते हैं और ये काफ़ी कामयाब हो जाते हैं, तो मिठाई वगैरह बांटते हैं सीजन 2 में। तो फिर उनको पता लग जाता है यानी कि इनके जीजा को, और वो फिर इनको मरवा देते हैं। ले दे के लास्ट में छोटे और बड़े में आपस में मुठभेड़ होती है और दोनों में से कोई एक मर जाता है। अब यहाँ पे कौन जिंदा है ये तो खैर हम बाद में बताएंगे, लेकिन मैं अभी इनसे तीन दिन पहले मिला हूँ। तो मुझे सीजन 3 के बारे में बहुत सारी डिटेल, एंड यहाँ पे कल रात को ही इन्होंने मुझे बुलाया भी था और इन्होंने मुझे पूरी की पूरी सीरीज दिखा भी दी है। अब यहाँ पे मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्योंकि देखो जानकार हैं, 10-15 साल से मुझे जानते हैं, साथ में हमने थिएटर किया है, तो इतना तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे अगर आप पहले से दिखा दें, हाँ, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे वीडियो वगैरह को स्पॉइलर नहीं बनाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि आ जा। तो कल रात को 9:30 बजे इनका मेरे पास कॉल आया कि तू जल्दी आ सीपी। अब सीपी में कोई इनके जानकार थे जो भी थे वहाँ बैठे, फिर मुझे वहाँ लेके गए। फिलहाल मूवी बहुत सारी कर रहे हैं, यानी कि ये जॉली LLB 3 में भी हैं, अक्षय कुमार के साथ एक और मूवी आ रही है इनकी, ये उसमें भी हैं। फिलहाल मैं इनकी बात को अभी रोकता हूँ, एंड मैं आप लोगों को मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के जो टाइम आज रिलीज़ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब मैं आप लोगों को इसी में बताने वाला हूँ। देखो मैं आप लोगों से कहने वाला हूँ कि मिर्ज़ापुर 3 आज यानी कि 5 तारीख लग जाएगी 12 बजे के बाद में, और हमें पता है कि 5 जुलाई को ये रिलीज़ होना है। अब यहाँ पे जो अमेजोन प्राइम है उसका जो टाइम होता है, आपको याद होगा कि इंडियन पुलिस फोर्स जो रोहित शेट्टी की थी वो रिलीज़ होने वाली थी एक्चुअल में 12 बजे रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने एक शैतानी कर दी कि इन लोगों ने 10 बजे ही उसे रिलीज़ कर दिया था। वजह यह थी कि उसके जो एपिसोड थे वो ज़्यादा मिनट के थे, यानी कि कोई 45 मिनट का था, कोई 50 मिनट का था, और एपिसोड भी ज़्यादा थे, यानी कि आप मान के चलो मेरे हिसाब से 9 एपिसोड थे। तो यहाँ पे मेकर्स ने यही सोचा कि अगर हम रात को 10 बजे इसको रिलीज़ कर देते तो पब्लिक यहाँ पे सुबह तक इतने बजे तक देख लेगी, फिर वो सुबह उठ के जिनको रिव्यूज़ करना है वो आराम से सुबह उठ के 6 बजे 5 बजे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिर्ज़ापुर 3 के जो एपिसोड हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 10 एपिसोड से कम नहीं होने वाली है ये सीरीज़, और हर एपिसोड 55 मिनट एक घंटे से कम का नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये मुझे लगता है कि ये लोग 10 बजे 9 बजे आई थिंक सो आप लोग तैयार रहना, क्योंकि ये सीन अगर हो गया ना तो इसको मिस मत करना, ये बहुत तकड़ी अपॉर्चुनिटी होगी मेरे हिसाब से। वो मैंने जो पूछा है श्रीकांत सर थे, उनका नाम श्रीकांत है, वो यही कह रहे हैं कि देखो कुछ भी हो सकता है, 12 बजे एग्जैक्ट टाइम नहीं है। 12 बजे तो आप ये सोचो कि आप ये आप एक तरीके से अनपढ़ जो भी होगा ना वो भी ये कहेगा कि भाई 5 जुलाई तो 12 तारीख को ही लगनी है, तो ये तो सभी को पता है कि 5 जुलाई 12 तारीख को लगनी है और 12 बजे तो आना ही है, ये तो सभी को पता है। लेकिन जिस हिसाब से जो रिव्यूवर को देख के मेकर्स ने इसके टाइम को अगर आगे पीछे कर दिया, अब मान के चलो अगर ये 10 बजे रिलीज होता है आपके दिमाग में 12 बजे, बहुत से लोग होते हैं यार मैं तो 12 बजे, अब वहाँ पता लग रहा है कि 2 एपिसोड पब्लिक ने ऑलरेडी देख डाले हैं, आपका पहला एपिसोड चल रहा है और वो देख चुके हैं, तीसरा एपिसोड चल रहा है और ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हंगामा मच चुका है कि भैया ये तो रिव्यू आ रहे हैं पहले और सेकंड एपिसोड के, समझ के चलना। तो इसी वजह से आप 10 बजे से बैठ जाना अमेजोन प्राइम पे, क्योंकि 10 बजे के बाद में ये कभी भी रिलीज़ हो सकता है। बाकी ये है कि श्रीकांत सर से मैं एक बार और अभी 4 बजे 5 बजे कॉल करके पूछूंगा कि सर एग्जैक्ट टाइम अगर आपको पता है तो मुझे प्लीज़ यहाँ पर बताइए, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और ये मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता रहा हूँ, और ये बात मैं अपने तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं यानी कि ये मेरी अपने दिमाग की उपज नहीं है, ये मैं श्रीकांत सर की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब कल रात को, मुझे बहुत टाइम लग गया भाई, आप ये सोचो कि पूरी रात मेरी वहीं पर काली हुई है, मैं सुबह आया हूँ। अब मैंने यही पूछा रात में देखते देखते, मैंने कहा सर ये रिलीज़ हो रहा है ये रात को 4 बजे, मतलब 4 तारीख की रात को ही रिलीज़ हो जाएगा या फिर ये 5 तारीख को 12 बजे होगा। तो उन्होंने मुझे यही बात बोली जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना।
और बाकी यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि फिर भी तू मेरे को कॉल कर लियो, मैं तेरे को एग्जैक्ट टाइम बता दूँ, हो सकता है मेकर्स आगे पीछे कर दे। क्योंकि अभी जो 2 दिन पहले यूट्यूब पे एक इंटरव्यू आया था विजय वर्मा, उसमें गुड्डू था यानी कि अली फजल, एंड यहाँ पे रसिका दुग्गल वगैरह, एंड जो एक हर्षाली क्या नाम है उसका जो गुड्डू की बहन बनी है, ये सब के सब अभी एक यूट्यूब चैनल पे आए हुए थे। तो वहाँ पे विजय वर्मा ने ये बात बोली थी कि अभी तक तो हमने ही नहीं देखा, मतलब 2 दिन पहले तक इन लोगों को दिखाया नहीं था, लेकिन इन लोगों ने कल रात को ही, यानी कि हो सकता है कि इन लोगों ने स्क्रीनिंग के तौर पर सभी को दिखाया जिसमें मैं खुद था। तो अब देख लिया है, अब यहाँ पे सभी ने देख लिया है, तो ये चीज़ टाइमिंग का जो इशू है, टाइमिंग का इशू अभी सिर्फ मेकर्स को पता है। हो सकता है कि इन लोगों के पास आ जाए आज शाम तक 5 बजे या 6 बजे के आसपास, मैं आप लोगों को इसका टाइम बता दूंगा। लेकिन बस आप लोग, जो मैंने आपको टाइम बताया ना, ये बात ना मेरे दिमाग में ही बैठ रही है, ये बात मेरे दिमाग में ही बैठ रही है कि हाँ ये इतने बजे आ सकता है, क्योंकि 10 एपिसोड होंगे और एक एक एपिसोड 10-10 घंटे का होगा। तो अगर ये 10 बजे भी रिलीज करते हैं तो मे बी ये जाएगा, क्योंकि 12 बजे तो फिर हमें पता ही है, 12 बजे तो आना ही आना है उस। लेकिन उन्होंने अगर 10 बजे की बात बोली है ना, इस बात का ध्यान रखना। बस अभी तक के लिए इतना, मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।